हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनमार्शल के रिसेंट डेवलपमेंट्स को। अनमार्शल में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं अनमार्शल के लिए। अनमार्शल 2.0 बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, उससे पोटेंशियली क्या प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा उसको देखेंगे। साथ में हम एक टूल को भी डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो, अगर आप रिसर्च करते हो, इस टूल का यूज करना जो आपका 3 से 4 घंटे का काम है वो बहुत आसान कर देगा। आप एक ऐसी कंसाइज रिपोर्ट तैयार करके देता है ये, जिससे आप बहुत जल्दी ही अपना जो एनालिसिस है वो कंप्लीट कर सकते हो। अनमार्शल में पहले तो अभी करंट में देखोगे तो 0.0854 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, एंड जो इसका जो क्रिटिकल लो था उससे अभी तो काफी ऊपर है। जब अनमार्शल 2.0 के अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद हमने काफी ज्यादा अप्रिसिएशन देखा है। अनमार्शल हमने काफी पहले डिस्कस किया था, इट वॉज अमंग अवर टॉप कॉइन लिस्ट ऑल्सो। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको अपने अपनी लिस्ट में ऐड करा है। वी ऑल नो दैट के अनमार्शल के कोई भी फीचर देखेगा तो कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। सो पहले हम देखेंगे रिसेंट अनाउंसमेंट्स, पहले बर्न की, फिर उसके बाद प्रीवियसली क्या उन्होंने बोला है, क्या क्या फीचर रहेंगे अनमार्शल 2.0 के, एंड लेटर ऑन हम एक कंसाइज रिपोर्ट देखेंगे उस टूल पे जिसको मैं बता रहा हूँ आप यूज कर सकते हो। सो अनमार्शल ने आज बर्न की जो मैकेनिज्म है उसको बता दिया डिटेल में। वैसे इन्होंने पोल कराया था और पोल में बोला था कि हम मंथली बर्न करें या फिर क्वार्टरली बर्न करें, और पोल का विनर था यानी जो सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो मंथली बर्न को ही मिले थे, लेकिन उन्होंने चूज किया है फिर भी क्वार्टरली बर्न करने को। तो 2,50,000 टोकन ये क्वार्टरली बर्न करेंगे, और इतना ही नहीं है, उन्होंने बोला जब भी इनके नए 100 क्लाइंट ऐड होंगे तो ये जो बर्न रेट है वो 5% बढ़ाते जाएंगे। जितने ज्यादा क्लाइंट ऐड होते चले जाएंगे उतना ज्यादा इनके जो बर्न का रेट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। साथ में उन्होंने सेवरल फीचर्स, एपीआई, जीरो कोड इंडेक्स, अनमार्शल सखी, इसके बारे में डिस्कस किया है, प्लस जो पोटेंशियल अनमार्शल 2.0 में फीचर आने वाले हैं उसके बारे में भी इस डिटेल रिपोर्ट में यहाँ पे जो पोस्ट है इसमें डिस्कस किया है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, बर्न उन्होंने क्वार्टरली रखा है और उसमें भी एक मैकेनिज्म रख दी है जिससे जितने ज्यादा इनके साथ क्लाइंट्स जुड़ेंगे उतना ज्यादा ये उसका रेट है उसको इंक्रीज करेंगे। अब जो इसके सीईओ है उन्होंने इसको टैग करके बोला है कि पहले जब अनमार्शल के जो फीचर्स है उसको जब यूज होते थे वो तो मार्स को एज ए यूटिलिटी टोकन यूज करते थे, और अनमार्शल की एपीआई सर्विस से इनको जो रिवार्ड मिलता था उसी को ये यूज करेंगे बर्न करने में, जिससे क्या हो जाएगा डिफरेंस इन नेचर में हो जाएगा। यानी अब आगे चल के जितने नए कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे एक ही कैटेगरी जिससे आएंगे, अदरवाइज वेस्टिंग शेड्यूल इज ऑलमोस्ट ओवर, और वो भी फाउंडेशन के टोकन ही अनलॉक होंगे, बाकी जितने अनलॉक होंगे उससे कहीं ज्यादा ये बर्न करेंगे। सो ओवरऑल अगर देखोगे सप्लाई पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डिफरेंस इन नेचर का रहेगा ही आगे, और ये इसके लिए काफी ज्यादा मतलब ये आगे चल के इसमें काफी ज्यादा प्राइस स्कार्सिटी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट थिंग, 17 अक्टूबर का उन्होंने ट्वीट किया था अबाउट अनमार्शल 2.0, जिसमें उन्होंने कई सारे जो क्वेश्चंस थे टेलीग्राम पर लोग पूछते ही रहते हैं और उसके स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने मेंशन करा था। इसमें जो नोटेबल है वो 3 से 4 है, पहला अपडेटेड रोड मैप, दूसरा नया स्टेकिंग प्रोग्राम प्रोग्राम का मेंशन करा है, उसके अलावा चेन के बारे में बहुत ज्यादा पूछे थे क्योंकि इनका रोड मैप का पार्ट था, Q2 में इनका टेस्ट नेट आ जाना चाहिए था अनमार्शल की चेन का, बट वो नहीं आया था, Q3 भी निकल गया। सो नेक्स्ट इन्होंने जो मेंशन करा है उसमें आप देखोगे वीडियो में वो है अनमार्शल का टेस्ट नेट लाइव होना, ये अनमार्शल 2.0 का ही पार्ट है। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बर्न वाला जो काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कोई प्लान है ऐसा का बाई बैक एंड बर्न मैकेनिज्म जिससे प्राइस में बेटरमेंट क्रिएट हो। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी फीचर उन्होंने इंक्लूड किए हैं सारे पॉजिटिव ही हैं और पॉजिटिवली ही प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे। डिफरेंस इन नेचर में जाने की वजह से और फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करने के इसके चांसेस हैं। टारगेट प्राइस वही रहेगा जो इसका पहले था, अभी भी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, एवरीथिंग इज एज इट इज। सो नेक्स्ट थिंग, अगर वो टूल आप यूज करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है सॉरी स्क्रीन क्रॉप हो रही हो आपको ये ना दिख रहा हो, चेन ब्रोकर इसका नाम है, chainbroker.io करके वेबसाइट है, अभी ये बीटा वर्जन में है, और आप इस पे जाके जब कोई भी कॉइन चेकआउट करोगे इतनी डिटेल रिपोर्ट बना के देता है कि आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कुछ वेबसाइट्स है, फॉर एग्जाम्पल एक टोकन अनलॉक से जहाँ पे हम वेस्टिंग शेड्यूल चेक करते हैं, या फिर कुछ अदर वेबसाइट है जहाँ पे हम डिटेल कंसाइज रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन उसमें सारे कॉइन सपोर्टेड नहीं होते, स्पेशली छोटे कॉइन तो सपोर्टेड होते नहीं है, लेकिन NFTB की बात करो या अनमार्शल की बात करो, ऐसे जो कॉइन है जो स्मॉल कैप में है या माइक्रो कैप में है वो भी इस पे सपोर्टेड है, दैट इज द अमेजिंग थिंग। सो बेसिकली तैयार कैसे करता है, मतलब जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या मेन फीचर्स रहते हैं। अब जैसे अनमार्शल की मैंने ये रिपोर्ट तैयार करी है, इसमें आप देख सकते हो पहले तो आपका प्राइस का जो एक्चुअल डेटा है वो मिल जाएगा,
जितने भी टाइम का देखना है, ये तो हमें चलो कॉइन मार्केट कैप पे मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो सकता है बिकॉज अलग अलग एपीआई पे डिपेंड करता है कौन सा डेटा पिक कर रहे हैं। कई बार होता है कोई एपीआई किसी पर्टिकुलर मार्केट मेकर का डेटा पिक कर लेती है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखता है, बट रफली यू कैन से लाइक लगभग सिमिलर रहता है, चाहे आप कॉइन गेको पे देखो या कॉइन मार्केट कैप पे। लेकिन कॉइन मार्केट कैप कॉइन गेको में ये प्रॉब्लम रहती है कि वहां पे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड नहीं होती, तो उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर आपको उसका पोटेंशियल जज करना है, पहले किस लेवल तक था, क्या सिनेरियो था, तो वो जज करने में आप हमेशा मात खा जाओगे, या फिर आप मैनुअली कैलकुलेट करो उसका वेस्टिंग शेड्यूल निकाल के एंड देन उस टाइम का प्राइस, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप या फिर सर्कुलेटिंग सप्लाई निकाल के उसकी मार्केट कैप कैलकुलेट करो, तो आप इवन कंसाइन रिपोर्ट बना सकते हो, बट ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो इसमें इवन प्राइस रेंज भी बना देता है इसमें, जैसे अब यहाँ पे मार्केट कैप को कितने डिटेल में डिफाइन करता है, लाइक इनिशियल फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप कितनी थी, अभी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप कितनी है, रिपोर्टेड मार्केट कैप कितनी है, कैलकुलेटेड मार्केट कैप कितनी है, और उसके अलावा इनिशियल मार्केट कैप कितनी थी। तो ये इस तरह से आपको डिटेल में दिखाएगा जहां से आप बहुत आसानी से जज कर लोगे पहले पास्ट में क्या परफॉर्मेंस थी, बिकॉज इसको मैं कई बार बोल चुका हूं, कभी भी आपको किसी कॉइन का पोटेंशियल जज करना है, प्राइस कभी भी सही पैरामीटर नहीं है, मार्केट कैप ही सही पैरामीटर है, उसके बेसिस पे ही आप जज करोगे। ठीक है, इवन इसके बाद अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है जिसमें अगर सीड राउंड हुआ है, प्राइवेट राउंड हुआ है, तो कितना फंड रेज किया है, उसकी इंफॉर्मेशन, कहां से रेज किया है उसकी इंफॉर्मेशन, कितने बैकर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन, आपको सारी डिटेल यहां पे मिल जाएगी, और इतनी कंसाइज रिपोर्ट कोई तैयार नहीं करता। उसके अलावा ट्विटर स्कोर भी बना के देता है बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, जो भी ट्विटर पे है, टॉप फॉलोअर कौन से हैं ट्विटर पे, वो भी बना के दे देता है कि अगर कोई बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर जुड़ा है कुछ है, तो वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा, तो उसके टॉप फॉलोअर्स होंगे वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा पब्लिक सेल कहाँ पे हुई थी, तो इसकी पोल का स्टेटस जेडू पे हुई थी, तो वहां वहां की भी डिटेल दे देगा, और कितनी उस टाइम पे हार्ड कैप रखी गई थी, किस किस डेट को हुई थी, मून सीट भी बना के दे देगा, मतलब अभी करंट में जो कंडीशन है वहां से 2x करने के लिए कितनी मार्केट कैप चाहिए, 3x, 5x, 10x, 100x करने के लिए कितनी मार्केट कैप चाहिए, ये भी बना के देगा। ठीक है, इसके अलावा वेस्टिंग शेड्यूल भी आपको एक डिटेल चार्ट बना के दे देगा, जबकि छोटे ऐसे प्रोजेक्ट उनका वेस्टिंग शेड्यूल या तो जो प्रोजेक्ट है वो अवेलेबल कराए, या आप देखोगे जनरली हमें इतना अच्छा कंसाइज और इजीली इंटरेक्टेबल मतलब जो चार्ट है वो नहीं मिलता। सो वेस्टिंग शेड्यूल में आप तब देख सकते हो इनिशियली कितनी सप्लाई थी, 6.8 मिलियन थी सर्कुलेटिंग सप्लाई, और उसके बाद अभी अगर देखोगे तो वेस्टिंग शेड्यूल ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, सिर्फ जो जो आपको पहले नंबर पे दिख रहा है ना जो चार्ट जिसमें इकोसिस्टम वाले टोकन्स हैं वो अनलॉक होके आएंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ जो वेस्टिंग शेड्यूल है वो ओवर हो चुका है। ठीक है, अगर आपको उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वेस्टिंग का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा सीड राउंड में, प्राइवेट राउंड में उसका वेस्टिंग शेड्यूल भी मिल जाएगा। सो अगर आपको वहां से कैलकुलेट भी करना है इवन इफ यू वांट टू वेरीफाई, बट यहाँ पे जब चार्ट अवेलेबल है तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो टोकन अनलॉक्स के बारे में भी डिटेल यहाँ पे बना के दे देता है। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझो कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए अगर कोई कॉइन या टोकन इस पे सपोर्टेड है, यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, तो इससे बढ़िया रिपोर्ट आपको जनरेट करके दूसरा टूल नहीं देगा। तो जब भी आप एनालिसिस करो प्रायोरिटी बेसिस पर चेन ब्रोकर पर जरूर चेकआउट करो किसी भी कॉइन को या टोकन को। अगर यहाँ रिपोर्ट मिल जाएगी तो ऐसा समझो आपको 3-4 घंटे का टाइम बच जाएगा, और आप बहुत जल्दी फास्ट मोड में अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो जब भी आप कॉइन ढूंढ रहे हो, जब भी नया कॉइन आप इवन इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो एक बार जस्ट चेकआउट कर लो, अगर यहाँ पे सपोर्टेड है, अवेलेबल है, तो आप बहुत जल्दी अपना डिसीजन मेकिंग कर लोगे। ठीक है, सो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वेस्टिंग शेड्यूल यानी जो जिसकी वजह से सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी वो बहुत ही माइनर आएगी, अब फाउंडेशन की ही अनलॉक होके आएगी, वो भी 2024 के एंड तक जितनी भी आएगी फाउंडेशन में। अभी अगर करंट में देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे करंट में 21.9 मिलियन अभी आ चुकी है अनलॉक होके, और लास्ट तक आएगी 24.4 मिलियन, तो बहुत कम आएगी और उससे ज्यादा बर्न हो जाएगा फॉर श्योर। सो ओवरऑल अगर देखा जाए नो प्राइस डाइल्यूशन बिकॉज ऑफ द सप्लाई इन्फ्यूजन, और इवन डिफ्लेशन नेचर रहेगा जिसकी वजह से प्राइस में काफी ज्यादा स्कार्सिटी रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो फीचर प्लान किए हैं जिनके लिए काफी टाइम से जो अवेटेड थे, लाइक चीन है, न्यू स्टेकिंग मैकेनिज्म एंड मच मोर, उसके अलावा भी कई सारे, सो ऑल आर पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर देखा है तो अनमार्सल में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको होल्ड करो, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल तो ये सबसे अच्छा रिटर्न आपको देके जाएगा, और आपका सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने वाला पॉइंट बनने के इसमें पूरे पूरे मसाला अवेलेबल है। बाकी चीजें डिपेंड करेंगी टाइम के साथ, जैसे टाइम के साथ चीजें अनफोल्ड होंगी वैसा।
कल हम देखेंगे एनएफटीपी की डिटेल रिपोर्ट, बिकॉज उसमें कुछ अभी ऐसे रिसेंटली इवेंट बने हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है। उसमें भी हम चेन ब्रोकर को यूज करेंगे क्योंकि एनएफटीपी वहां पे भी ऑलरेडी ट्रैक्ट है, और बाकी आप नए प्रोजेक्ट में भी जब भी चाहो तो इस टूल को यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।